ये कौन है ये लोग? मसीहा, देश के मसीहा, लालू हैं, माया हैं, मुलायम हैं। व्यमन विश्राम कितने दिनों के सड़कों पर काम कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। कभी देखते हो मीडिया में उनको तुम? ये जो है बेवकूफ बना रहे मायावती, जो दो बार दोनों के बाद दोनों सीएम बनी है, लेकिन उनको ईवीएम द्वारा सत्ता से हटा दिया गया। अपना दल क्या था ये? अतीक ने बनाया था, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें कोई कहने वाला पूछने वाला है कोई? भारत सरकार के साथ समर्थन है अतीक अहमद की पार्टी का, अपने दल का। जब वो जेल गया था अपना दल कौन है ये? अमित मिश्रा जो था वो सीटी मोदी जी की निकाल के लाया था। वो कहता है, वो कहते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जिस पर इल्जाम लगाया है, वो कहता है अगर वो इन्होंने ऐसा करा तो मैं सरकार गिरा दूंगा, सीटी उनके पास भी रखी हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा होता, उसने अपनी जमीन होने के बाद में दलितों के लिए पट्टे काट दिए। इसको कहते हैं प्रधानमंत्री, सबका साथ और सबका विकास चलते रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं सर। सीबीआई खत्म, एलआईओ खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म, हाई कोर्ट खत्म। यार क्या ये बातें करते हो, चमचागिरी करते हो तुम? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, क्या है? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम को हटा लो। इतिहास सुनता हिजड़ों का नहीं बनता, इतिहास बनता मर्दों का। समाज के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, लोकतंत्र के लिए लड़ो। तुम डरोगे इनके? अब आप कह रहे हैं दलित की, दलित पहलवानों की बात कर रहे हैं, दलित पहलवानों की बात नहीं करो। 30 साल दलित नेता जो है मेहनत करते हैं, और 2 मिनट में आन के ये मनुवादी जो लोग हैं उसको सिस्टम में आकर के और मिसगाइड और गुमराह करके उसको जीरो हीरो से जीरो बना देते हैं। मायावती कब से संघर्ष कर रही हैं? यह आशा है कल तक का बनिया आता है, समझे? लेना ना देना, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगाल नहीं लूँगा। मायावती जी को पता कितने दिनों से काम कर रही है, लालू जी को पता कितने से? ये कौन है ये लोग? मसीहा, देश के मसीहा, लालू हैं, माया है, मुलायम है, लेकिन क्यों नहीं लाते इनको लोग? तुम पहलवानों की बात कर रहे हो, क्योंकि ये सिस्टम चेंज कर देंगे मायावती जी, लालू जी सिस्टम चेंज कर देंगे। देखो जब तुमने देखा सुना होगा 60 साल में मंडल कमीशन लागू करा इन्होंने, है वीपी सिंह जी आए, उन्होंने करा नहीं करा, तुरंत लोगों ने कितना विरोध करा उसका, और यही मनुवादी लोग 10 लोग इकट्ठे होकर के उनको सरकार गिरा देते हैं। तुम पहलवानों की बात तो बहुत छोटी है। जितने भी दलित नेता हैं आज तक तुमने जीत, वो व्यमन विश्राम जी को देखा है? व्यमन विश्राम कितने दिनों के सड़कों पर काम कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। कभी देखते हो मीडिया में उनको तुम? किसी बड़ी नेशनल मीडिया पर आपने देखा है? व्यमन विश्राम जी है, क्या नाम है, जो जीत सिंह जी हैं, जितने भी ये लोग हैं। देखो समझना होगा सिस्टम को आपको, जब तक ब्रेड पेपर नहीं लाओगे ये शोषण होता रहेगा। अब ये हमारी बहन जी मायावती जी हैं, हम कोई बीएसपी के नेता नहीं हैं, हम दलित पिछड़ो, हम देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के काम करने के कोशिश करते हैं जितना भी होता है हमसे। तो हमारी आपसे गुजारिश, निवेदन ये है, अपने दलित हो, पिछड़े हो, जाट हो, गुजर हो, सबको समझाओ और इनको समझाओ कि सिस्टम को हटाओ, लोकतंत्र को बचाओ। और वो सिस्टम जब तक कुछ नहीं हटेगा, जब तक ब्लेट पेपर नहीं लाओगे। देखो कैसा आप सरकार हो रहे हैं, 5 राज्यों में सरकार वो हो रहा है ना इलेक्शन, 1-2 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को जिता देंगे, कहेंगे जी ये जो है इसलिए जो है अगर ईवीएम खराब था तो कांग्रेस क्यों आ गई। ये मनुवादी जो लोग होते हैं, मनुवादी बड़े तेज लोग होते हैं, कहीं कभी आगे चलने के लिए पीछे हटना पड़ता है इनको। ये जो है बेवकूफ़ बना रहे मायावती, जो दो बार दोनों के बाद दोनों सीएम बनी है, लेकिन उनको ईवीएम द्वारा सत्ता से हटा दिया गया। 17 सीटें, आपको इतिहास पता होगा, इस दिल्ली में जो खड़े हो, 17 सीटें जब मायावती जी की आई ना काउंसलर की, तो ये तीसरी ताकत जाग गई कि इसे रोकना कैसा होगा, तो ये बनिए को ले आए तुरंत ईवीएम द्वारा सत्ता में, केजरीवाल को बिठा दिया, जो कल तक हमारे साथ रोज चक्कर काटता था, रफाकत जी पूछ लेना, उसके साथ रहता सुरेंद्र रहता, अमित मिश्रा रहता है, वो मुझे जानता अच्छी तरह, इतना नालायक आदमी कौन, झूठा मक्कार दलित विरोधी। बाबा साहब की मूर्ति पता कहाँ लगा था तुमने? कभी नोट किया? नहीं नहीं मेरे बताऊंगा ना, कभी नोट करना, बाबा साहब की भगत सिंह की जगह और भगत सिंह की फोटो बाबा साहब की जगह, जबकि बाबा साहब की जगह इधर होती है। वो नेता है क्या है वो? वो जो है उसको बाबा साहब को ख़त्म कर, पहले गांधी को ख़त्म करने के लिए अन्ना को लाया, अब बाबा साहब को ख़त्म करने के लिए उसको, अब भगत सिंह का विरोध नहीं कर रहे, भगत सिंह तो हमारे वो हैं, लेकिन जो बाबा साहब को थोड़ी हो जाएंगे भगत सिंह। अरे भगत सिंह का फोटो तुमने कभी नोट किया होगा, इधर क्यों लगाता भाई? बाबा साहब के इतने हल्के लीडर हैं वो भगत सिंह, तो ये समझने की जरूरत है, बहुत तेज आदमी है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, जब 17 सीटें दिल्ली में जो है बीएसपी की आई, तो ये लोग सब जो है इन्होंने समझौता कर लिया कि तीसरी ताकत जो है यहाँ पर मायावती की बनने जा रही है, और बन गई थी, इन्होंने ईवीएम द्वारा सत्ता पे बिठा दिया। लेकिन दिल्ली में दिखती भी तो नहीं ना बहन, लगा काम भी तो नहीं करता। अरे भाई ऐसा नहीं है, हम कोई मायावती जी का आदमी नहीं है, हम तो सिर्फ कहना ये कहते हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, जाग जाओ, सिस्टम को समझने की कोशिश करो। सिस्टम को भी जातिवाद का आंदोलन बता रहे कि जाटों का आंदोलन है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत कहना है, ये जाटों का लोग, ये वो क्या है, मनुवादी लोग यार सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, ये हर जगह बढ़ जाते हैं,
समझे, जाटों का जब एक बात बताओ, जब क्या नाम है, जाति के ऊपर, हाँ देश के ऊपर, एक बात बताओ, चौधरी चरण वो जो है हमारे गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, जब धरने पे लोग बैठे थे वो जाट, हमारे जाट भाई, तो वो क्यों आए थे, वो क्यों आए थे, वो जवाब दे सकते हैं? ये सब जो है मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं। एक ही मैसेज देना चाहते हैं आप, वहाँ रुकवा दी जाति जनगणना, लालू जी ने कितनी मेहनत करी थी, किसने, मनुवादियों ने रोक दी, क्यों एक आदमी को पकड़ते हैं 10,000 की गड्डी, कोर्ट चला जा, समझे, उसको सिस्टम को रुकवा देते हैं। कोर्ट ने रोका, अरे कोर्ट ने रोका तो रुकवाया तो इन लोग हैं, मैं पॉलिसी बनाते हैं, इनके इतना दम नहीं है जो लड़े, कोई कह सकता है गृह मंत्री को गुंडा, अरे कि है किसी की हिम्मत है कोई, मोदी जी के खिलाफ मोदी जी की ये न्याय क्यों नहीं मिल गया, कोई कह सकता है, वो खुद इसके शिकार हैं मोदी जी, है किसी की हिम्मत? उनका जो लड़का है जो अमित मिश्रा था, कौन सा था, जो आम आदमी पार्टी में जो आज वो विधायक बना हुआ है इसका कांग्रेस, कमिल मिश्रा, उसने सीट निकाल के लाया था मोदी जी की बेडरूम का, इसलिए मोदी जी इसको सजा देते के साथ ही उनकी कहानी खत्म है कुछ चला सकता है, किसी की हिम्मत है? अगर वहाँ पर बोलते हो तो क्या मोदी जी, अरे इतिहास उन्हीं का बनेगा जो सच्चाई की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, समाज की बात करेगा, देश की बात करेगा, झूठोगे और मक्कारोगे और चमचोगे को देश इतिहास होता है, है? अरे आज तुम डरोगे, LIO भी है हमारे देश में, CBI भी है, सब है, अच्छी एजेंसी है, अच्छे लोग भी हैं उसमें, आजकल ये है वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता है गलत हो रहा है, LIO भी है, CBI भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, लेकिन करे क्या, उनको अगर बोलता है कोई तो इकला पड़ा जाता। हमारे जो CBI के डायरेक्टर थे उन्होंने सच्चाई लाने की बात करी, क्या हाल है उनका? तो ऐसा नहीं है क्या इसमें जुडिशरी मशीनरी CBI में अच्छे लोग नहीं है? वक्त का इंतजार करो, इनसे बदला लिया जाएगा, इन्होंने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी, संविधान की धज्जी उड़ा दी, समझे? इसलिए आपसे हिंदू मुस्लिम बातों को ना करके एक संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, ये सब हमारे देश के जो है देशवासी हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं हमारे बैठे हुए धरने पे, हमारे मोदी को चाहिए, मोदी जी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि कितना गलत मैसेज आ रहा है। एक तुम क्या नाम है पढ़ाई की बात करते हो, लेडीज़ों की बात, लड़कियों की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, और एक लड़की जो है कितने दिनों से न्याय में बैठी है, ना जुडिशरी है, ना मशीनरी है, ना CBI है, ना दिल्ली पुलिस है, ना लाते थे बच्चों को पढ़ाते थे, IAS IPS बनाते थे कि हमारे देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, लेकिन आज वो कहाँ गए IAS, कहाँ गए IPS, कहाँ गए कमिश्नर, कहाँ गए DC, कहाँ है LIO, कहाँ है CBI? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा बंधु जाते सुन रहा है तो बताएं कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं देते न्याय? 24 घंटे के अंदर न्याय मिलना चाहिए था, एक मैसेज जाना चाहिए था कि हाँ भाई हम लड़कियों के साथ हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई सबूत हो, कोई वीडियो, अरे इससे बड़ा सबूत क्या होता है, तुम दूसरे के लिए जो है सबूत की भी पे सकते, सबूत है, है? 7 साल से जो लड़का नहीं मारा गया विधायक, BJP समाजवादी की सरकार में नहीं मारा, BSP की सरकार में नहीं मारा मायावती की, और वो आते के साथ ही हमारे योगी सरकार में मारते हैं, साजिश के तहत अरबों रुपए की संपत्ति थी, अपना दल क्या था ये, अपना दल क्या था ये, अतीक ने बनाया था, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें कोई कहने वाला पूछने वाला है कोई? कैबिनेट मिनिस्टर में जो दो दो मिनिस्टर हैं उसके भारत सरकार के साथ समर्थन है अतीक अहमद की पार्टी का, अपने दल का, जब वो जेल गया था अपना दल कौन है ये, इसकी जाँच नहीं हो सकती, उसकी बीवी की हो सकती है? मेरा मतलब सिर्फ अतीक से नहीं है, मेरा मतलब ये है जुडिशरी का, CBI का, LIO की धज्जी उड़ा दी, समझे, अतीक की हत्या नहीं हुई है, संविधान की हत्या हुई है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितनी भी जुडिशरी हो, मशीनरी हो, CBI हो, उसको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा अगर वो, अरे नहीं अब इतने दिन हो गए यहाँ पर जो है वो खुद चाहते हैं, नहीं मोदी जी हटे या ना, मोदी जी तो नहीं हटेंगे, 2014 में इन लड़कियों ने जाके बताया था ना जाकर के, उसके बाद भी क्या है ये क्या सिस्टम है, ये उद्योगपतियों का सिस्टम है भैया, ये उद्योगपतियों का, देश के हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए। और जो है लोग मैसेज दे रहे हैं कि वो तो खुद इसके शिकार हैं, अमित मिश्रा जो था वो सीट मोदी जी की निकाल के लाया था, वो कहता है, वो कहते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जिस पर इल्जाम लगाया है, वो कहता है अगर वो इन्होंने ऐसा करा तो मैं सरकार गिरा दूंगा, सीट उनके पास भी रखी हुई है, तो कैसे LIO और क्या नाम चली जाएगी, दिल्ली पुलिस इनको क्यों करेगी भाई, उनको खुद खतरा है मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने सीट रखी हुई है इनके पास, इसलिए मेरी जाँच कमेटी बनाई। देखिए मेरी बात सुनो, जितने भी लोग हैं इसमें जुडिशरी में, मशीनरी में, CBI में, LIO में, ज़्यादातर दब के काम कर रहे हैं, मोदी जी के डर के काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको डर ये है भैया, डर के इसलिए है। अब मायावती जी को देख लीजिए, अजरासी मूर्ति बनवाती हैं तो CBI केस उनके भैये तक पे हो जाता है, कितनी बड़ी बड़ी मोदी जी ने मूर्तियाँ लगवाई हैं, कभी कुछ हुआ है? अभी अटल स्थान बनाया है, आपको शायद नहीं पता हो, मैं बता दूँ, अटल स्थान पर लाखों रुपये लगाए हैं, अटल स्थान सिर्फ किस लिए बनाया है,
अटलिस्तान की जगह सेकुलर स्थान होना चाहिए, उसमें जो है कर्पूरी ठाकुर भी हों, उसमें काशीराम भी हों, उसमें वीपी सिंह भी हों, और अटलिस्तान को रद्द करना चाहिए। पता भी नहीं चला पीडब्ल्यूडीसी से मिल करके और दिल्ली सरकार सेंटर ने इन्होंने दोनों अटलिस्तान बना दिया, अरबों खरबों रुपये लगा दिया। वहाँ कहाँ है ये, एक व्यक्ति के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं, और क्या नाम है ये काशीराम है, मायावती है, वीपी सिंह ने जितनी भी जमीन थी सारी गरीबों के दान कर दी है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता कोई, देश का विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा होता, उसने अपनी जमीन होने के बाद में दलितों के लिए पट्टे काट दिए, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री। और समझे आज तक लोगों को उसको क्या कहते थे, 10 लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर आके, कहा जी मंडल कमीशन का विरोध करा और मंडल कमीशन 11 महीने में सरकार गिरा दी। वीपी सिंह जैसा जब देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचेगा। इसलिए मैं अरे यार सबका साथ और सबका विकास देख तो रहे हो, सबका साथ विकास देख रहे हो, आपके आंखों के सामने है, सबका साथ और सबका विकास दिख तो रहा है, लोग देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास चल तो रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं सर, CBI खत्म, LIO खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म, हाई कोर्ट खत्म, और कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, एक आदमी एक महिला कितनी दिनों से धरने पर बैठी है, कौन सारी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई LIO है, LIO मर गई, CBI मर गई, जुडिशरी मर गई, सुप्रीम कोर्ट मर गया, हाई कोर्ट मर गया, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, क्यों नहीं सर न्याय मिलता इस महिलाओं को, कितने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं ये लोग, कोई पूछने वाला है, कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है, यार क्या से बातें करते हो, चमचागिरी करते हो तुम, मोदी जी क्या है, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, EVM को हटा लो, अगर 2 सीटें आ जाए मोदी जी की गर्दन कटवा लूंगा, मोदी जी 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो फिर डर गायक हुआ है, क्यों नहीं हटाते लोग, तो इसको कह रहे हैं बिलेट पेपर हटाओ, फिर हम देखते हैं तुम्हें कैसे क्या, यार तुम कैसी बातें करते हो, 80% हिंदू तुम्हारा साथ है और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जो है सत्ता में आ सकते हैं, तो EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्यों नहीं बचाते, क्यों डर है तुम्हें, तुम्हें पता है कि हमारा जो 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बेवकूफ बनाओ, दलितों को बनाओ, पिछड़ों को बनाओ, जाटों को बनाओ, गुजरों को बनाओ, मुसलमानों को बनाओ, और दिमाग को हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान को दिमाग को डाइवर्ट करके और बेवकूफ बनाते रहे पब्लिक का। ये बताइए जुडिशरी कहाँ है, CBI कहाँ है, LIO कहाँ, दिख नहीं रहे, अंधे हैं सब, अरे यार डरते क्यों हो तुम, हमें जेल में डालेंगे ना मोदी जी, हम जाएंगे, कितनी दिन हो गए रातों को दिक्कत है दिल्ली पुलिस, कोई है कहने वाला, कोई है सुनने वाला, यार कैसी बातें करते हो तुम, तभी पार को गुंडा बना रहे हो, अरे यार तुम घबरा क्यों रहे हो, इतिहास सुनता हिजड़ों का नहीं बनता, इतिहास बनता मर्दों का, समाज के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, लोकतंत्र के लिए लड़ो, तुम डरोगे इनके, कोई कहने सच्ची वाली बात नहीं करता, अरे गृह मंत्री को तुमने बना रखा, तड़ी पार को गृह मंत्री को, जो गृह मंत्री था उसका इतिहास पढ़ो पहले तुम, और फिर तुम कहते हो डरते हो, फिर कहते हो हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, अरे डरते हो पुलिस से, डरते हो तुम पुलिस से, डरोगे तो यह हो गया, बच गया देश, फिर तो हमारा, तुम देश की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, जुडिशरी की बात करते हो, CBI की बात करते हो, LIO की बात करते हो, वो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन देखा होगा तुमने CBI का डायरेक्टर ने एक अच्छी बात करी थी, आज तक उसका पता नहीं है, एक जज ने CBI ने लोकतंत्र की बचाने की बात करी थी, उसका पता नहीं है, समझे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई चाहिए इस वक्त देश के प्रधानमंत्री तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहिए, उसको देखो राजा होने के बाद में भी, ठाकुर होने के बाद में भी उसने कहा दलितों को चाहिए, ये भी हमारे भाई हैं, दलित भाई भी है, मंडल कमीशन लागू करा 7 साल में आज तक नहीं हुआ, और उसने आते के साथ 11 महीने मंडल कमीशन लागू करा, उसने कहा ये हमारे लिए नहीं, वो ठाकुर होने के बाद में भी उसने दलितों की बात करी, पिछड़ों की बात करी, इसको कहते हैं देश का प्रधानमंत्री, जितनी जमीन थी उसने दलितों के नाम कट्टा काट दिया, आज तक उसको क्या कहते हैं लोग।